हाय एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सवनानी, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप 7 डेज में ड्रोन चलाना कैसे सीख सकते हैं। तो बेसिकली ये मैंने 2 साल पहले लिया था और काफ़ी यूज़ कर लिया मैंने इसको, और इट्स वेरी ओल्ड ड्रोन नाउ। तो मैंने जो मिस्टेक्स की थी बिगिनिंग में जब मैंने इसे ख़रीदा था, और बड़े जोशी जोश में मैंने लिया था कि ड्रोन सीखूंगा, तो जो बिगिनिंग में मिस्टेक्स मुझसे हुई थी और उसके ऊपर मैंने ये 7 डेज का एनालाइज करके क्रैश कोर्स बनाया कि ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें जब आप एक नया ड्रोन खरीदें। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने की थी ऑलरेडी, मैं इसको 2 से 3 बार मैं इसे क्रैश कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो उन क्रैशेस से आप कैसे बचो और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखो, सेफ्टी रखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेरी फर्स्ट डे की जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, दैट इज ड्रोन को समझना, इसके कंट्रोलर को समझना, साथ में नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना, और जो भी अपडेट्स ये मांग रहा हो वो अपडेट इसे कर देना। वॉट एवर ड्रोन आपने खरीदा है, आप हरी में मत रहिए कि मुझे अभी इसे उड़ाना है, जल्दीबाजी में मत उड़ा दीजिएगा उसको। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ड्रोन को समझा ही नहीं था, वेरी फर्स्ट डे मैं खरीद के लाया और मुझे भूत चढ़ा कि मुझे इसको उड़ाना है, और मैंने कमरे में ही इसको फ्लाई कर दिया। और वेरी फर्स्ट डे क्या हुआ कि वो जा करके दीवार से कमरे में टकरा के और ज़मीन पे गिर गया, और वेरी फर्स्ट डे ही मैंने इसे क्रैश कर दिया था। इवन दो मेरे बड़े भाई का हाथ भी कट गया था इसके प्रोपेलर से, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि उसे खींच करके नीचे उतार ले, जो कि हुआ नहीं, और हाथ उसका फिंगर जो थी वेरी फर्स्ट डे ही ड्रोन से एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो इट्स वेरी रिस्की चीज़ है, क्योंकि बहुत रिस्की चीज़ है, क्योंकि जब इसके प्रोपेलर्स घूमते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, आप प्रोपेलर्स में अपना हाथ वाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि डेफिनेटली आपका हाथ कट जाएगा, आपकी उंगलीज कट जाएंगी। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसे वेरी फर्स्ट डे टेक ऑफ किया जाए, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप रिस्क लो। आपका वेरी फर्स्ट डे का जो टास्क है, दैट इज़ अंडरस्टैंड योर ड्रोन, जो भी मॉडल आपने लिया है उसका कैलिब्रेशन कैसे होता है, क्योंकि जब आप इसे फर्स्ट टाइम पे ख़रीदेंगे तो उसके कुछ कैलिब्रेशन करने होते हैं, गिम्बल का कैलिब्रेशन होता है, जायरो का कैलिब्रेशन होता है, वो सारे कैलिब्रेशन डन करने होंगे। सेकंड डे की जो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, दैट इज़ ड्रोन को टेक ऑफ करना और लैंड कराना। टेक ऑफ करना और लैंड कराना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा डर लगता है उसी चीज़ के अंदर। मुझे याद है जब मैंने ड्रोन लिया था, जो सबसे पहली मिस्टेक, सेकंड जो मेरी मिस्टेक थी, दैट इज़ मैं कहीं पे भी ड्रोन को टेक ऑफ कर दिया करता था। जैसे सपोज करिए गार्डन वाला एरिया, घास ही घास है, मिट्टी हो रही है, मैंने ज़मीन पे रखा, उड़ा दिया, तो क्या वो मिट्टी सारे की सारी कैमरा के ऊपर चली गई, और जो है डस्ट आ गया लेंस के ऊपर, और वीडियो की फुटेज अच्छी नहीं आई। ये मेरी सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे और किस सरफेस पे आपको कब लैंड कराना है और कैसे उसे टेक ऑफ करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जैसे रोड है, वहाँ पे कम मिट्टी है, तो आप ज़मीन पे रख के टेक ऑफ कर सकते हैं और ज़मीन पे लैंड करा सकते हैं। बट इन अ सिमिलर सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन है गार्डन है और मिट्टी हो रखी है चारों तरफ, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रोन को अपने हाथ पे लैंड करा सकते हैं और हाथ से ही टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, और सेकंड डे का आपका टास्क है कि आप कैसे उसे हाथ से टेक ऑफ और हाथ से लैंड करा सकते हो, और कैसे आप सरफेस यानी ज़मीन पे से आप इसे टेक ऑफ और लैंड करा सकते हो। तो सेकंड डे की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको ये करनी है। साथ में आपको थोड़ा सा कंट्रोलर्स को भी समझ लेना होगा कि कैसे अप होता है, कैसे डाउन जाता है, कैसे लेफ्ट होता है, कैसे राइट होता है। दैट्स इट, इतना सही आपको समझना है। इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस मत करिएगा, क्योंकि सेकंड डे की आपकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस यही होने वाली है कि आपको इसे टेक ऑफ और लैंड कराना सीखना है। थर्ड और फोर्थ डे की प्रैक्टिस जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपने समझ लिया है कि कैलिब्रेशन कैसे होता है, वो सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया है, उसके बाद आप लोगों ने उड़ाना भी सीख लिया है कि कैसे उसे टेक ऑफ कराना है, कैसे लैंड कराना है। थर्ड और फोर्थ डे आपको क्या करना है, जब आपने मोबाइल को अपने ऐसे कनेक्ट करा हुआ है, और आपको ये समझना है कि जो ये बटन्स यहाँ पे पीछे दिए हुए, ये पीछे वाले बटन और ये जॉयस्टिक्स आपको आगे दी हुई हैं, साथ में यहाँ पे जो पीछे बटन दिए हैं, इनका पर्पस क्या है। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ये जो है बेसिकली मैनुअल एक्सपोजर को कंट्रोल करने के काम में आता है। ये वाला जो आपको रिंग दिख रहा है, इससे आप शटर स्पीड और ISO को कंट्रोल कर सकते हो जब आप मैनुअल सेटिंग्स में काम कर रहे हो। और जो ये दूसरा वाला है, ये बेसिकली गिम्बल की अप डाउन करना उसको कंट्रोल करता है।
तो ये जो है इम्पॉर्टेंट, ये वाला बटन है जिससे आप गिम्बल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू सीन आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग्स में आकर के। तो एप्लीकेशन की सेटिंग्स में इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, और मैं जो मेरे गिम्बल की स्पीड रखता हूँ वो फास्ट नहीं रखता हूँ, स्लो रखता हूँ। तो गिम्बल जब आपका मूव हो अप एंड डाउन, इस सिचुएशन में जो स्पीड हो वो बहुत स्मूथ आपको दिखाई दे, झटकों से वो ऊपर नीचे ना हो। ऐसा मुझे कब नोटिस हुआ था, जब मैंने कुछ इवेंट्स इससे शूट कर लिए थे और जब मुझे समझ आया कि मेरा जो गिम्बल का स्पीड है वो बहुत ही स्पीड से ऊपर होता है और बहुत ही स्पीड से नीचे होता है, बहुत जर्क टाइप से वीडियो बनता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं बनता है। इन दैट सिचुएशन मुझे समझ आया कि इसे भी असाइन करना होता है, इसे भी चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू माई सीन। तो आप गिम्बल की स्पीड को यहाँ से मेन्यू में जा कर के कस्टम कर सकते हो कि कैसे, कितनी फास्ट वो स्पीड चाहिए, कितनी स्लो वो स्पीड चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ डे आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आप ड्रोन को नीचे लेके आ रहे हो उसके साथ साथ में आपको अपने गिम्बल के मोशन को भी कंट्रोल करना है, तो वो भी आपको इसकी थर्ड और फोर्थ डे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप चाहो, अगर आप FPV शूट करते हो तो आप डेफिनेटली इसकी मोटर को फास्ट रख सकते हो, अगर आप कुछ सिनेमैटिक मूवमेंट शूट करें तो इन दैट सिचुएशन आप इसे स्लो कर सकते हो। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे ये वर्क करता है और किस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो अगर आप शॉट्स शूट कर रहे हो। साथ में थर्ड और फोर्थ डे में आपको अपनी मैनुअल सेटिंग्स यानी एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी आपको समझना होगा जब आप अपने थर्ड और डे की प्रैक्टिस में जाएंगे। तो थर्ड और डे का आपका टास्क है गिम्बल मूवमेंट को समझना और मैनुअल एक्सपोजर को समझना। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सभी लोग परेशान हो गए कॉपीराइट स्ट्राइक्स से, म्यूजिक के ऊपर जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, तो आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक प्लान कर रहे हो देखने का और डाउनलोड करने का, तो लिंक मैंने ऐड किया डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, तो चेकआउट कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर के। फिफ्थ और सिक्स्थ डे की जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी दैट इज एक्सप्लोर दी फीचर्स। तो अगर आप जो भी ब्रांड का XYZ ड्रोन लेते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग के ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज 360 डिग्री ट्रैक, ट्राइपॉड मोड, स्पोर्ट्स मोड, उस पर कैसे आप ड्रोन को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ट्राइपॉड मोड पे ड्रोन बहुत स्टडी सा बिहेव करता है, और स्पोर्ट्स मोड पे ड्रोन बहुत फास्ट से मूव करता है। फिर उसके बाद आता है आपका 360 डिग्री मोड, जिसमें 360 डिग्री सर्कल वो शूट करता है। तो वो सारे ऑप्शंस आपको ड्रोन्स में मिल जाते हैं जो कि आपको मैन्युअली शूट करने की नीड नहीं है। तो वो आपको एक्सप्लोर करना, समझना होगा कैसे उसे शूट किया रहता है। उसमें आपको डेफिनेटली मेरे को लगता है 2 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, पर अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो 2 दिन में आपका हाथ उन मोड्स के ऊपर बैठ जाएगा। सबसे जो फेवरेट ऑप्शन मुझे मेरे ड्रोन का लगता है वो लगता है 360 डिग्री शॉट, जिसमें मुझे मेरे ड्रोन को समझा देना होता है कि यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री शॉट लेना है, और मेरा जो ड्रोन है वो 360 डिग्री शॉट ऑटोमेटिकली ले लेता है, मुझे मैन्युअली उसे लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर मैं मैन्युअली उसे शूट कर रहा हूँ। और साथ में ट्रैकिंग वाला जो शॉट है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट लगता है, कोई सब्जेक्ट अगर चलता हुआ रहा है तो वहाँ पे मेरा ड्रोन जो है उसे ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। तो ये कुछ सेटिंग्स और जो ऑप्शंस हैं वो आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं बिकॉज अब आजकल के ड्रोन AI बेस्ड हो गए हैं और काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग आपको देखने को मिलती है, तो वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वो 2 दिन आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो, अगर आप समझेंगे तो आपके ड्रोन की फुटेज जो है वो और सिनेमैटिक लुक में क्रिएट हो जाएंगी और आपको और ज़्यादा अच्छी लगेंगे और कुछ क्रिएटिव लगेगा आपके फुटेज में। अगर आप सारा टाइम यही लड़ते रहेंगे कि मुझे सब कुछ खुद से मैन्युअली शूट करना है, 360 डिग्री शॉट भी मुझे मैन्युअली शूट करना है, जो भी आप खुद सोचेंगे कि मुझे मैनुअल शूट करना है, तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, बिगनिंग में आप उसे नहीं शूट कर पाएंगे। ऑब्वियसली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है अगर आप मैनुअल उसे खुद से शूट करना चाहते हैं। बाकी अगर आप मैन्युअली नहीं शूट करना प्रेफर करते हैं फॉर अ स्टार्टिंग, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बिगिनर हैं और उसे कैसे आप शूट कर सको, तो वो सारे ऑप्शन आपको ड्रोन्स में मिल जाते हैं। तो वो ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है, और उसे एक्सप्लोर करने के बाद में आप कुछ और क्रिएटिव शूट्स कर पाएंगे। 7वें दिन पर जो आपको करना है, जो कि लास्ट आपका वर्क रहेगा, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
जस्ट जोकिंग, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो हवा में उड़ती रहती है, राइट? और अगर आपका हाथ उस पर साफ नहीं तो डेफिनेटली आप उसे क्रैश कर दोगे, आपको डर सा लगा रहेगा कि यार ये क्रैश ना हो जाए। तो प्रैक्टिस एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि आप बहुत सीमलेसली तरीके से ड्रोन को उड़ा सकते हो। तो वो 7 दिन में तो नहीं आ सकती, आपको काफ़ी शूट्स करने पड़ेंगे, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी के बाद भी आप उसे बहुत फ्लोलेस तरीके से उड़ा पाओगे हवा में बिना किसी डर के। तो 7वें दिन पे जो आपका, अब अभी तक हम सारी बिगनर वाली चीज़ें जो कर चुके हैं, बिगनर वाले लोग जो सबसे पहले करते हैं ड्रोन को उड़ाते दिन पे, 7वें दिन पे आपको ये चीज़ समझनी होगी क्योंकि ड्रोन में बैटरी लगती है और बैटरी की लाइफ होती है, राइट? ड्रोन मैक्सिमम 30 मिनट उड़ सकता है आजकल के जो नए ड्रोन आ रहे हैं, और जो मेरे पास ये ड्रोन है ये तो 15-20 मिनट से ऊपर उड़ता ही नहीं है। तो 15 से 20 मिनट में देखो, कंट्रोलर की भी बैटरी होती है और ड्रोन की भी बैटरी होती है, तो कंट्रोलर की बैटरी अराउंड 3 से 4 घंटा चल जाती है, ड्रोन की बैटरी बहुत कम चलती है। तो कम से कम टाइमिंग वाली, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, फ्लाइंग टाइम है, और 15 मिनट तो मैं आपको फ्लाइंग टाइम बता रहा हूँ, फ्लाइंग टाइम से पहले ही उसे लैंड करा देना पड़ता है, क्योंकि 20% बैटरी तक आपको लैंड कराना ड्रोन को इंपॉर्टेंट होता है, वरना अपने आप ही ड्रोन लैंड हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन आपके पास कम से कम टाइम में कैसे अच्छे सिनेमैटिक शॉट आप ले सकते हो, ये आपको सीखना समझना पड़ेगा। बहुत अलग अलग टाइप के शॉट्स मैंने बताया, 360 डिग्री शॉट जो मैंने बताया ऑटोमेटिक ड्रोन ले लेता है, आप उसे मैन्युअली भी ले सकते हो, जब आप टेक ऑफ कर रहे हो और टूवर्ड्स टू बैकवर्ड ड्रोन को लेके जाते हैं वो कैसे आप शॉट ले सकते हो, एक प्लेस जब आप ड्रोन को सिंपली ऊपर लेके जा रहे हैं और वहीं पे ड्रोन को आप घुमा रहे हैं, वो 360 डिग्री टाइप का शॉट आप कैसे ले सकते हो, कुछ नैरो एरियाज में से ड्रोन को बीच में से निकालना वो कैसे आप ले सकते हो, तो ये सारे प्रैक्टिस से ही आएगा। और आपको ये समझना होगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप को शॉट लेना आप समझ आते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कम से कम टाइम में वो सारे शॉट्स कैसे आप ले सकते हो अपने इवेंट के अंदर, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है ड्रोन को उड़ाने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक देखिए एक वीडियोग्राफर जो होता है उसके पास बैटरीज होती हैं, वो कंटिन्यूस चार्ज करता है, बैटरी को वो रिप्लेस कर देता है, वापस वो चार्ज करना स्टार्ट करता है। फोटोग्राफर्स के पास ये बैटरीज और काफ़ी अच्छा शूटिंग टाइम होता है क्योंकि कैमरा बहुत देर तक कैमरा जो है वो चल जाते हैं। बट इन केस ऑफ ड्रोन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपके पास में टेंशन भी होती है क्योंकि क्रैश होने का सबसे ज़्यादा ड्रोन का खतरा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि अच्छे शॉट्स, एरियल शॉट्स आपको शूट करने हैं, सिनेमैटिक टाइप के एरियल शॉट आपको शूट करने हैं। फिर टाइम भी लिमिटेड होता है आपके पास क्योंकि बैटरी ही 15 से 20 मिनट चलती है। तो आपको सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना होता है जब आप ड्रोन को उड़ाना स्टार्ट करते हो। तो आपके पास 7वें दिन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है शॉट्स को समझना। जब आप एरियल शॉट्स लेते हो तो किस टाइप के अलग अलग शॉट आप अपने ड्रोन से निकाल सकते हो ताकि आप कम से कम टाइम में अपने ड्रोन का फुटेज को यूटिलाइज कर सको। तो 7वें दिन की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। 7 डेज की प्रैक्टिस आएंगी। मैंने बेसिकली समराइज करा है जो मैंने मिस्टेक्स किए और जो मेरे को 2 साल लगे इसको उड़ाने में और समझने में सही से, तो वो मैंने एक समराइज करके आप लोगों के लिए एक वीडियो क्रिएट किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे आर्ट लिस्ट के लिंक जिससे आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है म्यूजिक का, तो आप जा करके ट्राई आउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।